नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज चर्चा करेंगे हम बैडमिंटन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। बैडमिंटन के शटल कॉक में पंखों की संख्या कुल कितनी होती है? 16। जबकि बैडमिंटन की सर्वोच्च संस्था है इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, की स्थापना 1934 में की गई। वहीं विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत 1977 से हुई। जबकि युगल स्पर्धा के लिए बैडमिंटन कोर्ट का आकार 44 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा होता है। वहीं बात करें सर्वप्रथम बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार नंदू नाटेकर को वर्ष 1961 में दिया गया। वहीं बैडमिंटन में सर्वप्रथम पुरस्कार वो भी द्रोणाचार्य पुरस्कार एस एम आरिफ को दिया गया। बैडमिंटन स्पर्धाओं में एक सेट में कुल 21 अंक का होता है और बैडमिंटन के रैकेट का भार 80 से 100 ग्राम का होता है तथा रैकेट की लंबाई 27 इंच या 680 मिलीमीटर का होता है तथा चौड़ाई 2.230 मिलीमीटर का होता है। बैडमिंटन नेट की ऊंचाई 5 फीट 1 इंच यानी 1.5 मीटर। और वहीं बात करें ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण। और बात करें थॉमस कप का संबंध पुरुष बैडमिंटन से है, जबकि उबेर कप का संबंध महिला बैडमिंटन से है। उबेर कप एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। इसका पहली बार आयोजन वर्ष 1956 से 57 में किया गया। इस प्रतियोगिता का नाम पूर्व ब्रिटिश महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बेटी उबेर के नाम पर पड़ा। और वहीं ब्लैक कार्ड किस खेल का विनियामक है? बैडमिंटन और तलवारबाजी का विनियामक है। श्रीकांत बख्शी, दीपांकर भट्टाचार्य, गोपी चंद, ये सभी बैडमिंटन खेल से जुड़े हुए हैं। तो ये थी जानकारी, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ बैडमिंटन से संबंधित। हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।